चतुर्थी तिथि का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास करने से और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को ज्ञान, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में आ रही सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अधिक मास की संकृष्टि को विभुवन संकृष्टि गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। संकृष्टि चतुर्थी व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। तो आइए सुनते हैं इस व्रत की कहानी। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के सहित रहते थे। वे अपने स्वजनों, अपने पुत्रों और कुटुंबियों के साथ आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती और पतिव्रता थी। उसका नाम रत्नावली था। वह पतिव्रत का पालन करने वाली थी। राजा और रानी में परस्पर अथाह प्रेम था। एक समय दैव योग से शत्रुओं ने उनके राज्य को हस्तगत कर लिया। शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राज्य भ्रष्ट होकर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटे वे दंपत्ति भूख प्यास से विकल हो गए थे। रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। प्यास भूख से पीड़ित होकर वन में चलते चलते उन दोनों को सूर्यास्त हो गया। उस भयंकर वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैर में कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय जी को दूर से ही देखा। धीरे धीरे चलकर वे वहां तक पहुंचे और उन्हें दंडवत किया। रानी रत्नावली ने भी श्री मुनि को बारंबार नमस्कार किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने पूछा, हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्मों में ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई है? मार्कंडेय जी मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृतांत को सुनिए, मैं बतलाता हूँ। एक बार शिकार करने के लिए आप गहन वन में चले गए थे। हिरण, चीते और खरगोश का शिकार करते करते उस वन में रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा। उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याएं थीं। वे सब गणेश जी की पूजा कर रही थीं। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ और आपने वहां पहुंचकर बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा कि हे स्वर्ग गामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे बतलाइए। हे ललनाओं, इसका प्रभाव भी बतलाइए, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान और धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा कि हे महिलाओं, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए, इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए, इसकी पूजन विधि क्या है, कृपा करके आप मुझसे यह सब कहिए। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधि सहित विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ाएं। गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, धूप और दो वस्त्र और उसके साथ सुगंधित द्रव्य भी चढ़ाएं। घी चीनी से बने हुए 15 लड्डुओं का भोग लगाएं। उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें, 5 ब्राह्मण को दान में दे दें।
कुआरी कन्याओं को पहले देकर बाद में स्वयं भोजन करें। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए समस्त सामग्री पहले गणेश जी को अर्पित करें, उसके बाद पुराणों में लिखी गई कथा को सुनें। ऐसा करने से मनुष्य की सभी वांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं और समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी के पूजन की बस यही विधि है। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए थे और आपको पुत्र, स्त्री, धन धान्य आदि से पूर्ण कर दिया था। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गौ, हाथी और घोड़ों का अभाव न रहा। परंतु कुछ दिनों के बाद आप धन गर्वित हो गए और व्रत को करना भूल गए। इसके बाद आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और सहद्रे की मित्रता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धनमद में आकर आपने इस जन्म में उस व्रत को करना भी छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अब मैं क्या करूं संकट से मुक्ति हो, जिस उपाय से हमारे विघ्नों और कलेशों का नाश हो और मुझे शांति प्राप्त हो, वही बतलाइए। मार्कंडे मुनि बोले, हे महाराज, पूर्वोक्त रीति से आप गणेश जी की पूजा कीजिए और संकट नाशन चतुर्थी के व्रत को कीजिए। उससे गणेश जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। इसलिए संपूर्ण कष्टों के शमन के लिए आप स्वयं गणेश जी की पूजा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और भवन में चले गए। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक विधिवत व्रत किया। व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य दोबारा से प्राप्त हो गया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। ओम गणेशाय नमः।